अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम द कुकिंग स्टोव बाय सब अब में बना रहे हैं फ़िश कटलेट्स। बहुत मज़ेदार, बहुत सिंपल और बहुत इजी रेसिपी है, तो चले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया था, उसको पानी में डिप करके आपने निचोड़ लेना है। अच्छे से निचोड़ के इसको हम साइड पे बाउल में रख देंगे। अब साथ ही दूसरी तरफ मैंने फ़िश ले ली थी और फ़िश को मैंने छोटे से स्ट्रेट कर लिया और कांटे उसके निकाल लिए। अगर आपके पास कांटों के बगैर वाली मछली है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और टिप है कि अगर आप फ़िश के जैसे सर की यखनी निकालते हैं, हेड सूप निकालते हैं, तो उसके जो बचे हुए रेशे हैं उनको भी आप इस कबाब में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने दो आलू उबले हुए ले लिए थे। अब आलूओं को हम इसमें स्लाइस के साथ डाल देंगे और मैशर की मदद से मैश करेंगे। अच्छे से हमने इसको मैश करना है। ये बहुत लाइट रेसिपी है, बहुत अच्छे, और फिश आपको वैसे ही पता है कि बहुत एनर्जेटिक होती है। और एक मिथ है, मतलब एक मिसकंसेप्शन है कि गर्मियों में फ़िश नहीं खानी चाहिए। हालांकि दरमियाने तरीके से अगर हम फ़िश गर्मियों में भी कोई नुकसान नहीं देती। साथ ही हमने आलू मैश करने के बाद इसमें फ़िश शामिल कर ली थी। अब खुश्क मसालों में मैंने लिया था हाफ़ टी स्पून मैंने चिली पाउडर लिया था, हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ली थी, 1 टीस्पून काली मिर्च ली थी, 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून लिया था, नमक एज़ पर टेस्ट लें, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया था और साथ ही मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया था। अपने खुश मसालों को डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून इसमें मेयोनीज़ की डाल दी और इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग हमेशा चम्मच से भी कर सकते हैं, जैसे भी। अब इनको हम शेप दे देंगे इन कबाबों को। कबाब हमारे अभी जो है, आप इसको लंबी शेप दे सकते हैं, गोल शेप दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और शेप देने के बाद अब हम इसका कोटिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे, तो आपने हमारे साथ रहना है। तो अब कबाबों को हमने शेप दे ली है और ये आप कबाब बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब मेहमान आए तो आप एज अ स्नैक या घर पे ख़ुद भी खा सकते हैं। साथ ही मैंने एक अंडा ले लिया था। आप कबाब के हिसाब से एक या दो अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हम कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि अंडे का भी थोड़ा सा फ्लेवर आए, और उसको फेंट लेंगे। हमेशा काली मिर्च फ्रेश इस्तेमाल किया करें, उससे इसका फ़्लेवर चीज़ों का और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ मैंने एक प्याली ब्रेड क्रम्स लिए थे, इसके अंदर भी मैं थोड़ी सी 1 से 2 चुटकी मैं काली मिर्च डाल दूंगी। ये मैं अंडे में नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने साथ ही ब्रेड क्रम्स के साथ ही नमक उसमें भी डाल दिया, ब्रेड क्रम्स में भी थोड़ा सा डाला। अब नमक आपने हिसाब से यूज़ करना है, क्योंकि कबाबों में भी है, अंडे में थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है। साथ ही ब्रेड क्रम्स में मैंने 1 से 2 चुटकी या 1/2 टीस्पून यू कैन से, कि अगर आपका स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डाल लेंगे तो अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। अब साथ ही हम कबाबों को पहले अंडे में डिप करेंगे और उसके साथ हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। ये सारे मैंने कबाब कोट करके रख लिए थे। अब आपको इस पॉइंट पे इसको आप क्लिंग फिल्म में रैप करके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और अगर आपने उसी वक्त खाना है तो आप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं आपको सैंपल के तौर पर ये आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। आपने इसको दरमियानी आंच पे करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना, क्योंकि ब्रेड क्रम्स हैं वो ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो जल जाएंगे। तो ये जो फ्राइंग होती है ना, बड़ा डेलिकेट अमल होता है, तो इस पर ध्यान रखा करें चीज़ों को, और चीज़ों को अकेले छोड़ के ना जाया करें, बुरा मना जाती हैं। तो ये कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं, ये देखें हल्के गोल्डन ब्राउन करने हैं ताकि और क्रिस्पी हो जाए। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वेरी लाइट, वेरी टेस्टी। आप इसको सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं, गेस्ट आ जाएं तो उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद नाश्ते में, लंच में, डिनर में, जब आपका दिल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइट के तौर पे भी, डाइट के खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।